हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करना है, एसएससी हुआ, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस, कैट, रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करना है, तो मैथ्स उसमें एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो मैं राहुल अग्रवाल आपको आर ए क्लासेस के चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरा 17 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊँगा। सारे सारे लेक्चर्स मेरे इस चैनल पे अवेलेबल होंगे। मेरी मेरा खुद का ऐप है, उस पर बाकी सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप मेरा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरा पूरा चैनल देख सकते हैं, उसमें जाके सारे लेक्चर्स बाय कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। तो देखिए, पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज, मेंसुरेशन। जैसा आपको पता है कि इस साल जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एसएससी के एग्ज़ाम में 12-13 क्वेश्चन एसएससी के अंदर मेंसुरेशन टॉपिक में से ही आए थे, अकेले टॉपिक में से आए थे। तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में और बहुत ढंग से करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 900 से 1000 क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस करूँगा। क्वेश्चंस का पीडीएफ का लिंक मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, और उसमें जाके आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस वो होंगे जो पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, ठीक है ना, और कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। बाकी ज़्यादातर 70% क्वेश्चंस वो होंगे जो आज तक एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, भले ही वो प्री का एग्ज़ाम हो, मेंस का हो, सीपीओ का हो, सीडीएस का हो, और जो कैट लेवल क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते आए हैं वो भी मैंने इसमें कंक्लूड करे हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस को। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका बेटा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ स्क्वायर। जैसा आपको पता है, स्क्वायर मतलब हिंदी में वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं। वर्ग वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, पहला रूल ये हो गया, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारे जो कोण होते हैं बेटा वो 90 डिग्री के होते हैं, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर, परिमाप, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर हिंदी में बोलते हैं परिमाप। छोटे छोटे वर्ड हैं, थोड़े बहुत आप याद कर लीजिए। पेरीमीटर वर्ड जैसे हुआ परिमाप। परिमाप मतलब सारी भुजाओं की लंबाई, जो लंबाई, ये लंबाई हुई, आप यहाँ से यहाँ गए तो ये लंबाई ए हो गई, फिर आप यहाँ से यहाँ गए फिर ए हो गई, तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं की लंबाई वो 4a हो गई। तो परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया 4a। फिर इसका अगला टॉपिक आता है इसमें एरिया, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया, तो जो इसका एरिया होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। एक का स्क्वायर हो गया, भुजा का स्क्वायर होता है। इसके विकर्ण की लंबाई, इसके विकर्ण, डायगोनल को विकर्ण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। ये आपका डायगोनल हो गया, ये आपका दूसरा डायगोनल हो गया। तो इसके विकर्ण की लंबाई, इसके डायगोनल की लंबाई, डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ डायगोनल या फिर विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई √2a होती है। मैंने ज्योमेट्री में प्रूफ भी कराया था आपको, मैं दिखाता हूँ आप इसे प्रूफ करके आपको। देखिए बहुत सिंपल सा है, एक एक लाइन के क्वेश्चन से बेटा किसी को छोड़ेंगे नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे बेटा, ढंग से करेंगे। जैसे आपको स्क्वायर दिख रहा है बेटा, और इसकी ये भुजा ए है, ये भुजा भी ए है, ये आपका डायगोनल आ गया, विकर्ण आ गया, और ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है कि एस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना आ जाएगा बताइए मेरे को आप, तो ये आ जाएगा √2a, √2a, ये देखिए ना, √2a² आएगा, और ये ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो कितना रह जाएगा √2a रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा विकर्ण की लंबाई आ गई। अब अगर हमें विकर्ण पता हो तो भी एरिया आ जाता है, अगर हमें डायगोनल दे रखा हो, अगर हमें डायगोनल दे रखा हो तो भी एरिया आ जाता है। अगर डायगोनल पता है तो एरिया होता है डी का स्क्वायर बाय टू। अगर एरिया हमें, हमारा स्क्वायर का एरिया तब भी आ जाएगा जब हमारे को विकर्ण पता होगा, डायगोनल पता होगा। तो अगर डायगोनल पता है तो एरिया हो जाएगा डी स्क्वायर बाई टू। तो बेटा देखो, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये और ये बराबर होता है बेटा,
और ये भी बराबर होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अच्छा अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी उनका यूज आएगा, तो उसको एक बार फटाफट फटाफट देख लेते हैं। देखिए ये आपका स्क्वायर है और ये इसका एक डायगनल, ये रहा। पहली बात, दोनों डायगनल की लंबाई बराबर होती है, तो ये दोनों डायगनल है जिनकी लंबाई बराबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो विकर्ण जहाँ पे कट के मिलते हैं, ये दोनों विकर्ण जहाँ मिल रहे हैं, जिस पॉइंट पे दोनों विकर्ण मिल रहे हैं, मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूँ, ये बिंदु आपका सेंटर बिंदु होता है। मतलब ये और ये बराबर है यहाँ से, ये और ये बराबर है यहाँ से, तो ये बिंदु इस स्क्वायर का सेंटर पॉइंट है, ये स्क्वायर का सेंटर पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे दोनों विकर्ण मिल रहे हैं वो इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। और दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर है, दोनों विकर्ण की लंबाई जो है वो बराबर है, लेंथ ऑफ बोथ डायगनल्स आर इक्वल। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए आप, कि जो स्क्वायर का डायगनल होता है, जो ये स्क्वायर है मीटर मान लीजिए और ये इसका डायगनल है मान लीजिए, तो जो स्क्वायर होता है उसका डायगनल जो होता है वो दो बराबर एरिया बनाता है। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होता है, ये पूरे एरिया का आधा होता है, ये वाला भी पूरे एरिया का आधा होता है। और जो चारों विकर्ण, दोनों विकर्ण मिलते हैं तो चार एरिया बनते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ये चारों एरिया भी बराबर होते हैं, ये चारों एरिया भी बराबर होते हैं, मतलब ये पूरा स्क्वायर के एरिया का 1/4 होगा, ये भी पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 होगा, ये भी पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 होगा और ये भी पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 होगा। तो स्क्वायर के जो दोनों विकर्ण जो चार एरिया बनाते हैं, वो चारों एरिया आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, वो चारों एरिया एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं बेटा। जो पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आता है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आप देखिए कुछ बिंदु पढ़ेंगे एक एक करके, पहला इंपॉर्टेंट बिंदु पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर कई बार होगा आपके सामने एक स्क्वायर बना हुआ होगा और उसके अंदर एक लीफ बना हुआ होगा, ये स्क्वायर बना हुआ है आपके आगे बेटा, और एक यहाँ पे कंपास रखिए आप और इसको रेडियस बांध के आप एक क्वार्टर सर्किल बना दीजिए, इसको रेडियस बांध के आप एक क्वार्टर सर्किल ऐसे बना दीजिए, फिर आप कंपास को यहाँ रखिए और एक क्वार्टर सर्किल और बना दीजिए, तो ये जो बना ये एक पत्ती बन गई, ये जो बना ये एक पत्ती बन गई बेटा। अब हमारे को इस लीफ का एरिया निकालना होता है, हमारे को ये जो पत्ती बनी है बेटा आपके सामने, हमें इस पत्ती का एरिया निकालना होता है। हमें क्या गिवन होता है, हमें स्क्वायर का साइड दे रखा होता है, हमें स्क्वायर का साइड दे रखा होता है और हमारे को इस लीफ का एरिया निकालना होता है। तो जैसा आपके बच्चों ने रात भी कर रखा है कि इसका एरिया जो होता है वो होता है पाई बाई टू माइनस वन इंटू ए स्क्वायर, और इसी एरिया को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 4/7 ए स्क्वायर। देखिए मैं हर चीज़ को प्रूव करूंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा हर चीज़ को, एक बार नहीं तो दो बार में आपको हर बात मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको हर बात समझ में आ जाए, कोई भी टॉपिक आपके दिमाग से मिस नहीं हो। तो देखिए बेटा हर चीज़ को आपको भी लिख लिख के प्रूव करना पड़ेगा, वीडियो देखने से काम नहीं पड़ेगा चलेगा, आपको पेन कॉपी साथ में लेके बैठना होगा, आपको लिख लिख के करना पड़ेगा, तब जाके आपको बातें समझ में आएंगी। तो देखिए मैं आपको पत्ती का एरिया निकालना सिखा रहा हूँ, इस पत्ती का जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा। तो देखिए क्या करा आपने, आपने यहाँ से एक डायगनल खींच दिया, तो ये डायगनल क्या करेगा, इस स्क्वायर के दो बराबर हिस्से कर देगा। भाई डायगनल क्या करता है, डायगनल एक सिमेट्रिक फिगर होता है, तो वो स्क्वायर को दो बराबर हिस्सों में काट देगा। अब आप ध्यान से देखो तो आपको एक तो क्वाड्रेंट दिख रहा है, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। देखो बेटा एक सर्किल होता है, जिनको नहीं पता देख लीजिए, यहाँ पे एक सर्किल होता है, अगर सर्किल के सेंटर पॉइंट से डायमीटर खींच दें, एक व्यास खींच दें यहाँ से और एक व्यास यहाँ से खींच दें, तो हमारे चार क्वाड्रेंट बनते हैं, हमारे चार क्वाड्रेंट बनते हैं। अगर हम दो डायमीटर खींच देते हैं ऐसे परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर हैं, तो ये एक क्वाड्रेंट पहला चतुर्थांश, दूसरा क्वाड्रेंट दूसरा चतुर्थांश, तीसरा क्वाड्रेंट तीसरा चतुर्थांश
और चौथा क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश। तो आपको दिख रहा है ये एक चतुर्थांश बन गया भैया, बाकी मत देखो, तो आपको दिख रहा है चतुर्थांश बन गया ये आपके सामने। तो इस चतुर्थांश के एरिया में से मैं आपको समझाता हूँ, देखिए रफ डायग्राम फटाफट बना के देखिए। मान लीजिए आपके सामने, ये आपके सामने स्क्वायर है, मैं आपसे आपसे बात कर रहा हूँ इस क्वाड्रेंट की, जो आपने सर्किल बनाया। अगर पूरा सर्किल होता, सर्किल ऐसा कुछ होता, मैं पूरे सर्किल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्वार्टर सर्किल की बात कर रहा हूँ। इस चतुर्थांश के एरिया में से, इस चतुर्थांश के एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे, मैं वापस कर रहा हूँ, ये चतुर्थांश दिख रही है आपको, और मैं आपके लिए इसमें ट्राइंगल बना दूँ इसके अंदर ही। तो अगर मैं आपके सामने ट्राइंगल बनाऊँ दूसरे कलर से, तो ये डायगनल बन गया, और इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ चतुर्थांश के एरिया में से, क्वाड्रेंट के एरिया में से, अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ, तो क्या मेरे पास आधी पत्ती का एरिया आता है क्या? तो देखो बेटा, आधी पत्ती का एरिया कैसे आ रहा है? जो आधी पत्ती है, ये जो हाफ लीफ है, इस हाफ लीफ का एरिया कैसे आ रहा है? तो आप बोलेंगे हाफ लीफ का एरिया आ रहा है, जो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर नहीं पता तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर सर्किल का चार हिस्से करें, तो चौथे सर्किल, चौथाई हिस्से का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय फोर। यहाँ पर रेडियस ए है, तो देखो देखो बेटा, अगर सर्किल ये बनाया आपने, तो ये सेंटर है आपका, केंद्र है, और ये ए रेडियस है, तो इससे एक पूरा सर्किल ड्रॉ किया गया, ये पूरा सर्किल यहाँ से ड्रॉ किया गया है। तो सर्किल का एरिया, कितना हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर, और उसका वन फोर्थ किया गया था अपॉन फोर, सर्किल के एरिया का वन फोर्थ का क्वार्टर सर्किल आ गया। इसमें से क्या माइनस करना? ट्राइंगल का एरिया, और ट्राइंगल का एरिया होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये आधी पत्ती का एरिया आया है। अगर आपको पूरी पत्ती का एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे? इसका डबल कर देंगे। अगर डबल करेंगे तो क्या आएगा? पूरी पत्ती का एरिया आ जाएगा। तो देखिए आप कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, पाई बाई टू हो जाएगा भाई, ये टू इससे मल्टीप्लाई हुआ तो पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा। देखिए एक तरीका तो उसको याद करने का, ये तरीका मैंने आपको कहा, इसका आंसर ये आता है पाई बाई टू माइनस वन ए स्क्वायर, पाई बाई टू माइनस वन ए स्क्वायर, एक आंसर मैंने आपको ये कहा। दूसरी जगह पाई की जगह आप वैल्यू पुट करिए, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22 अपॉन 7 और इंटू टू पहले से कर रखा है, माइनस वन ए स्क्वायर, माइनस वन ए स्क्वायर, अब टू वन जा टू, टू इलेवन जा, तो 11 माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा? 11 माइनस वन, 11 माइनस एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 11 माइनस सेवन अपॉन सेवन ए स्क्वायर, और 11 माइनस सेवन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 बाय सेवन ए स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, ये पत्ती का एरिया आ गया। तो इस पत्ती के एरिया को याद कर लीजिए, इस पत्ती का एरिया क्या होता है? 4 बाय सेवन ए स्क्वायर होता है। इस पत्ती का एरिया क्या होता है? 4 बाय सेवन ए स्क्वायर होता है। इस पत्ती के एरिया को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पत्ती का एरिया याद करना। ये पत्ती का एरिया क्या होता है? 4 बाय सेवन ए स्क्वायर होता है। सेकेंड प्रूफ देखिए इसी के अंदर आप, सेकेंड प्रूफ देखिए, ये मान लीजिए एक सर्किल है बेटा, और इसके अंदर देखिए बेटा, आप डायग्राम देखिए, थोड़ा डायग्राम रफ बनेगा डायग्राम। तो इसके अंदर पहला सेमी सर्किल आपने यहाँ से बना दिया, सेमी सर्किल बनाया आपने, ये आपने पहला सेमी सर्किल बना दिया, ये आपने दूसरा सेमी सर्किल बना दिया, दो सेमी सर्किल बन गए बेटा। फिर आपने तीसरा सेमी सर्किल यहाँ से बना दिया, और फिर आपने चौथा सेमी सर्किल बना दिया। आपने चार सेमी सर्किल बना दिए भाई। देखो एक सेमी सर्किल आपने इसको सेंटर लेके बनाया, एक सेमी सर्किल आपने इसको सेंटर लेके बनाया, एक सेमी सर्किल आपने इसको सेंटर लेके बनाया, एक सेमी सर्किल आपने इसको सेंटर लेके बनाया। तो सर्किल की जो रेडियस हुई वो क्या हुई? अगर स्क्वायर का रेडियस ए है, तो सर्किल की रेडियस क्या बनी? ए बाई टू हो गई क्या? तो सर्किल की रेडियस ए बाई टू हो गई। आपने चार सेमी सर्किल बना दिए, तो इन चारों सेमी सर्किल से जो चार पत्तियां बनी आपके सामने, जो चार लीफ बनी आपके सामने, आपसे उनका एरिया पूछता है कि इन चारों का एरिया क्या आएगा, इन चारों पत्तियों का एरिया कितना आएगा। तो इन चारों पत्तियों का एरिया भी 4 बाय 7 ए स्क्वायर ही आएगा, इन चारों पत्तियों का एरिया भी 4 बाय 7 ए स्क्वायर ही आएगा।
इन चारों पत्तियों का एरिया भी 4/7 a² आएगा, या आप ऐसे याद कर लो π/2 - 1 a² आएगा। भाई आंसर किसी भी फॉर्मेट में लिखा हुआ आएगा, आपको देखते आंसर क्लिक करना चाहिए, तो आपको इनको ऐसे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये वाला आंसर दो तरीके से प्रूफ करके बताता हूँ। इसको प्रूफ करने के दो मेथड देखिए आप, आपको ये प्रूफ करना है कि इसका एरिया 4/7 a² आएगा। तो पहला तरीका सिखाता हूँ, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेथड वन और बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेथड वन, इससे आपको बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेगा। तो देखिए आपके सामने स्क्वायर है, अब देखिए डायग्राम रफ है, तो देखिए मैं यहां से अगर मैंने आपको क्या सिखाया कि ये जो पॉइंट होता है भाई, जहां पर ये जो विकर्ण मिलते हैं हमारे, मैंने आपको भी सिखाया कि जहां पे ये दो विकर्ण मिलते हैं, देखिए मैंने आपको भी सिखाया जहां पे ये दोनों विकर्ण मिलते हैं, दोनों डायगोनल मिलते हैं, ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है आपका, ये वाला पॉइंट जो होता है ये आपका सेंटर पॉइंट होता है। तो आप देखिए ये आपके पास स्क्वायर है, मान लीजिए ये आपके पास, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है आपके सामने, और ये इसका पहला डायगोनल मैंने बना दिया, ये इसका पहला डायगोनल आपके सामने ये रहा, और दूसरा डायगोनल ये रहा। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था दोनों डायगोनल जहाँ मिलते हैं वो आपका स्क्वायर का सेंटर पॉइंट होता है। और फिर देखिए मैंने दो सर्किल ड्रॉ कर दिया आपके सामने, सेमी सर्किल ड्रॉ करें, तो अगर आप फेयर कागज लेके ड्रॉ करेंगे, दो सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो दोनों सेमी सर्किल उसी सेंटर पॉइंट से पास करेंगे, दोनों सेमी सर्किल उसी सेंटर पॉइंट से पास करेंगे। जैसे मैं पहला सेमी सर्किल ड्रॉ करूंगा, तो पहला सेमी सर्किल मेरा उसी सेंटर पॉइंट से पास करेगा, और जो मेरा दूसरा सेमी सर्किल होगा वो भी मेरा उसी सेंटर पॉइंट से पास करेगा, दोनों सेमी सर्किल मेरे उसी सेंटर पॉइंट से पास करेंगे। तो ये वाली बात याद कर लीजिए, दोनों सेमी सर्किल उसी सेंटर पॉइंट से पास करेंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया कि दोनों सेमी सर्किल हमारे उसी सेमी सर्किल से पास करेंगे, उसी सेंटर पॉइंट से पास करेंगे, दोनों सेमी सर्किल हमारे उसी सेंटर पॉइंट से पास करेंगे। इस वाली बात को आप याद रखिएगा, दोनों सेमी सर्किल हमारे उसी सेंटर पॉइंट से पास करेंगे। तो देखिए अब यह समझ आ गया आपको, दोनों सेमी सर्किल उसी सेंटर पॉइंट से पास करेंगे। और मैंने आपको क्या कहा था, ये सेंटर पॉइंट होता है बेटा, तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मिड पॉइंट पे आके ज्वाइन होगा, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी मिड पॉइंट पे आके ज्वाइन होगा। तो देखिए ये मिड पॉइंट पे आके ज्वाइन हो गया, ये भी मिड पॉइंट पे आके ज्वाइन हो गया। तो आप मेरे को ध्यान से देख के बताइए, क्या ये मिड पॉइंट से ज्वाइन हो गया क्या, क्या ये भी मिड पॉइंट से ज्वाइन हो गया क्या? ये पूरा सर्किल जो पूरा स्क्वायर का रेडियस साइड था, जो पूरी स्क्वायर की भुजा थी वो कितनी लंबी थी, ए भुजा थी, तो आधी भुजा कितनी होगी बताओ मेरे को देख के आप, तो आधी भुजा कितनी होगी, तो आप बोलोगे आधी भुजा a/2 हो गई, ये आधी भुजा है ये भी a/2 हो गई। क्या आपको चार स्क्वायर दिख रहे हैं क्या, एक स्क्वायर आपको ये दिख रहा है, दूसरा स्क्वायर देखिए आप, ये आप दूसरा स्क्वायर देखिए, दूसरा स्क्वायर आपको ये दिख जाएगा, यहाँ से दिख जाएगा दूसरा स्क्वायर आपको दिख गया वाला, दूसरा स्क्वायर ये रहा आपके सामने, तीसरा स्क्वायर देखिए आप, तीसरा स्क्वायर देखिए आप, तीसरा स्क्वायर ये रहा आपके सामने, ये आपके सामने तीसरा स्क्वायर रहा, और चौथा स्क्वायर आपके सामने ये रहा। तो आपको स्क्वायर दिख रहा है जिसका साइड a/2 है, स्क्वायर दिख रहा है जिसका साइड a/2 है, और उसके अंदर एक पत्ती रखा हुआ है, तो स्क्वायर के अंदर एक पत्ती रखा हुआ है तो उसका एरिया निकालना आपने अभी भी सीखा के बताइए, हाँ या ना बेटा? देखिए जहाँ पे भी यहाँ बोलते रह आखिर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे आपको बातें क्लियर होती जाएंगी। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, इस पत्ती का एरिया कितना हो जाएगा, 4/7, भुजा का भुजा कितनी है, a/2 है, और उसका स्क्वायर कर दो, और उसका स्क्वायर कर दो, ये एक पत्ती का एरिया आ गया क्या बताइए, हाँ या ना? ये इस पत्ती का एरिया आ गया क्या बोलिए बेटा, ये इस पत्ती का एरिया आ गया 4/7 a/2 का होल स्क्वायर, ये इस पत्ती का एरिया आ गया 4/7 a/2 का होल स्क्वायर। और ऐसी कितनी पत्तियां मेरे को देख के बताइए, 1 2 3 4 पत्तियां हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/7 a² / 4 a² / 4 * 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पत्ती का एरिया कितना आ जाएगा, 4/7 a², तो इस पत्ती का एरिया कितना आ जाएगा, 4/7 a², तो ये पत्ती का एरिया आ गया 4/7 a², इन चारों पत्तियों का एरिया कितना आ जाएगा, 4/7 a², बोलिए पहली बात समझ में आ गई क्या? तो इसको पहला करने का तरीका ये होता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे,
अगर आप ऐसे करते तो क्या बोलते, एक पत्ती का एरिया कितना आएगा? एक पत्ती का एरिया आएगा पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस वन, और ए का स्क्वायर मतलब ए बाई टू का होल स्क्वायर, भुजा कितनी है इस बार, ए बाई टू है, ये एक का एरिया आ जाएगा। ऐसी चार पत्तियां हैं तो क्या करेंगे, इंटू चार करेंगे, कितना एरिया आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस वन, पाई बाई टू माइनस वन, ए का स्क्वायर बाय फोर, ए का स्क्वायर बाय फोर इंटू फोर, ये फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई टू माइनस वन इंटू ए स्क्वायर, तो ये चारों पत्तियों का एरिया आ गया। बोलिए बेटा, ये वाली बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरह से हम चारों पत्तियों का एरिया निकाल सकते थे। इन चारों पत्तियों का एरिया निकालने का पहला तरीका ये हो गया, जो हमने अभी पढ़ा उसी से निकल जाएगा। दूसरा तरीका, हम एक बार थोड़ा बेसिक देखते हैं इसको लेकर, अगर हम बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन को तो हम कैसे सॉल्व करते। तो देखिए, हमें इन चारों पत्तियों का एरिया निकालना था, हमें इन चारों पत्तियों का एरिया निकालना था। अब इसको देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट से करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से करेंगे तो इसका डायग्राम में इसका आंसर छिपा होता है। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा की पूरा डायग्राम अभी की अभी। आपके सामने पहला सेमी सर्किल ये बना दिया मैंने, आपके सामने देखिए पहला सेमी सर्किल मैंने आपके सामने ये बना दिया, देखिए ये मेरा पहला सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया मैंने, ये मैंने दूसरा सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया यहां से। तो देखिए, इन दो सेमी स्क्वायर के एरिया में से अगर इन दो सेमी सर्किल का एरिया हटा दोगे तो क्या ये वाला एरिया आ जाएगा? बोलिए हाँ है ना। अगर इन स्क्वायर के एरिया में से इन दो सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दोगे तो क्या बचा हुआ ये वाला एरिया आ जाएगा क्या? फिर वापस से देखिए, एक स्क्वायर सेमी सर्किल मैंने ये बनाया यहाँ से, एक सेमी सर्किल मैंने ये बनाया, अगर स्क्वायर के एरिया में से मैं इन दो सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दूंगा, अगर स्क्वायर के एरिया में से मैं इन दो सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। अब आप वापस से देखिए ध्यान से, मैं वापस से स्क्वायर सर्किल बना रहा हूँ, मैंने पहला सेमी सर्किल ड्रॉ किया ये वाला, मैंने दूसरा सेमी सर्किल ड्रॉ किया ये रहा, देखिए आप क्या मेरा ये पहला एरिया और दूसरा एरिया आ गया क्या? इसको नाम दे रहा हूँ मैं पहला एरिया, इसको नाम दे रहा हूँ मैं दूसरा एरिया, और मैं यहाँ पे शेड कर दूँ तो मेरे पास पहला एरिया आ गया, दूसरा एरिया आ जाएगा। देखिए आप ध्यान से, ये मेरे पास पहला और दूसरा एरिया आ जाएगा, ये पहला एरिया आ गया और दूसरा एरिया आ गया। बोलिए बेटा हाँ है ना। अब वापस से देखिएगा, मैं वापस से स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, ये मैं वापस से सेमी सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने तीसरा सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने चौथा सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो क्या बचा हुआ ये तीसरा एरिया और चौथा एरिया भी आ जाएगा क्या? तीसरा एरिया ये रहा, चौथा एरिया ये रहा। तो देखिए, तीसरा एरिया कैसे आएगा, अगर मैं शेड कर दूँ इस एरिया को भी यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे शेड कर दूँ, तीसरा एरिया ये रहा, चौथा एरिया ये रहा। तो देखिए मेरे पास, बताइए अगर मैं इन चारों एरिया को माइनस कर दूँ, अगर मैं इन चारों एरियो को स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दूँ तो क्या मेरे पास जो शेडेड एरिया वो नहीं आ जाएगा? ये वाला शेडेड एरिया नहीं आ जाएगा क्या? जो पत्तियों का, चारों पत्तियों का शेडेड एरिया वो आ जाएगा। अगर स्क्वायर के एरिया में से मैं पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या मेरे पास चारों पत्तियों का एरिया नहीं आ जाएगा? तो चारों पत्तियों का एरिया कैसे आएगा? तो पहला स्टेप करना पड़ेगा मेरे को कि मेरे को पहले पहला एरिया, दूसरा एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहला एरिया कैसे निकलेगा? स्क्वायर की साइड ए है, सेमी सर्किल की साइड क्या होगी? ए बाई टू होगी क्या? तो स्क्वायर का एरिया आ गया ए का स्क्वायर, और माइनस सेमी सर्किल का एरिया, दो सेमी सर्किल मिला लो तो क्या एक सर्किल बन जाएगा क्या? तो दो सेमी सर्किल का एरिया बोलो या एक सर्किल का एरिया बोलो, एक ही बात है। सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है? ए बाई टू है, तो पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास पहला एरिया आ गया और दूसरा एरिया आ गया, ऐसे कितने एरिया चाहिए मेरे को? ऐसे दो एरिया चाहिए, तो मल्टीप्लाई दो से करना पड़ेगा क्या? तो पहला एरिया आ गया, दूसरा एरिया आ गया, तीसरा एरिया आ गया, चौथा एरिया आ गया, ये मेरे पास बचा हुआ एरिया आ गया। मेरे को बचा हुआ एरिया चाहिए कि नहीं? मेरे को कौन सा एरिया चाहिए? पत्तियों का एरिया चाहिए। पत्तियों का एरिया कैसे आएगा? अगर स्क्वायर के एरिया में से, अगर स्क्वायर के एरिया में से पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा एरिया माइनस करेंगे तो चारों पत्तियों का एरिया आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर आ गया, ये टू मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, पाई आ जाएगा, और ए स्क्वायर बटा फोर आएगा,
और ये टू मल्टीप्लाई होगा तो इंटू टू आ जाएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर। अब मेरे को बताइए देख के आप, क्या ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है क्या पूरे से? क्या ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है क्या पूरे से? बचेगा क्या पाई? और प्लस के वन में से माइनस का टू माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का वन। तो पाई माइनस वन ए स्क्वायर, क्या हमारा आंसर नहीं आ गया क्या? हमने अभी बोला था पाई माइनस वन ए स्क्वायर एरिया आएगा, पाई माइनस वन ए स्क्वायर वही एरिया नहीं आ गया, पाई माइनस वन ए स्क्वायर। और अगर पाई की जगह वैल्यू पुट करोगे बेटा तो हमारा वो आंसर आ जाएगा फोर बाय सेवन ए स्क्वायर। पाई की जगह वैल्यू ले आते हैं, पाई क्या है 22/7, पाई बाई टू माइनस वन ए स्क्वायर, पाई बाई टू माइनस वन ए स्क्वायर, ये देखिए एक एरिया आ गया। और अगर वैल्यू पुट करते हैं पाई बाई टू माइनस वन ए स्क्वायर के अंदर तो ये टू वन जा टू, टू इलेवन सा, और अगर सॉल्व करेंगे तो इलेवन माइनस वन फोर आ जाएगा, फोर बाय सेवन ए स्क्वायर। तो कितना एरिया आ गया? फोर बाय सेवन ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये सारे एरिया भाई, ये हमने दूसरा तरीका सीखा जो हमें कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए कि ये एरिया बनता कैसे है। अब इसको लेकर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसी को लेकर एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं ट्राई, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर देखिए आप क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर पाते हैं क्या, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा आप इसको अप्लाई कर पाते हैं कि एग्जाम के अंदर जाके, वो देखना है। तो आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं, एक मिनट रुकिए। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपको बोल रहा है फाइंड द शेडेड एरिया, आपको शेडेड एरिया निकालना है। और आपको दिख रहा है एक स्क्वायर है, स्क्वायर में दो सेमी सर्किल बने हुए हैं और दो डायगोनल बने हुए हैं। स्क्वायर की साइड आपको एक्स दे रखी है, स्क्वायर की साइड आपको एक्स दे रखी है, फाइंड द शेडेड एरिया। तो देखते आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय फोर आएगा। देखते आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय फोर आएगा। अब देखिए बेटा बहुत सिंपल सी बात है, हल्का सा शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए मैं डायग्राम को कॉपी कर रहा हूँ वापस से, तो देखिए ये आपके सामने डायग्राम रहा। मेरे को एक चीज बताइए बेटा, क्या क्या ये वाला एरिया, क्या ये आधी पत्ती का एरिया और ये आधी पत्ती का एरिया बराबर होगा क्या? तो क्या मैं इस आधी पत्ती के एरिया को यहाँ से हटा के यहाँ ला के रख दूँ क्या? तो मैंने क्या करा, मैंने इस आधी पत्ती का एरिया यहाँ से हटा के, इस आधी पत्ती के एरिया को मैंने यहाँ से हटा के यहाँ ला के रख दिया। एक ही तो बात है बेटा, इस पत्ती का एरिया मैंने यहाँ से हटा के यहाँ ला के रख दिया, शिफ्ट कर दिया एरिया को। क्या ये आधी पत्ती का एरिया और ये आधी पत्ती का एरिया बराबर होगा क्या? तो वही काम मैंने इसके साथ करा, इस आधी पत्ती के एरिया को यहाँ से हटा के, इस आधी पत्ती के एरिया को यहाँ से हटा के और इस आधी पत्ती के एरिया को मैंने यहाँ ला के रख दिया। तो मैंने एरिया शिफ्ट कर दिया पूरा एरिया, ये आधी पत्ती का एरिया यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये आधी पत्ती का एरिया यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब मेरे को बताइए क्या दिख रहा है आपको? ये स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या मैंने आपको बताया क्या अभी अभी कि स्क्वायर के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं? अगर स्क्वायर के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एरिया को वन फोर्थ करते हैं, तो ये एरिया को वन फोर्थ करते हैं। अगर स्क्वायर के डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो एरिया को वन फोर्थ करते हैं, तो ये पूरे एरिया का वन फोर्थ होगा क्या? तो स्क्वायर का पूरा एरिया क्या होता है? एक्स का स्क्वायर होता है और वन फोर्थ करते हैं तो पाई अपॉन फोर आ जाएगा क्या? बोलिए हाँ है ना। तो ये क्वेश्चन देखते सॉल्व हो रहा था, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन डायग्राम में ही सॉल्व कर देंगे और देखते ही आंसर आ जाएगा उनका। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका देखते सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखते सॉल्व कर देंगे। चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आता हूँ इसी तरीके का, देखिएगा आप। देखिए ये आपके सामने डायग्राम है, आपको इसका एरिया बताना है, बताइए। देखते आंसर आ जाना चाहिए था आपका, आपका इसका आंसर देखते आ जाना चाहिए था कि इसका एरिया कितना आएगा।
इसका आंसर आपको देखते हैं अजंचित, आपको दे रखा है कि इसमें मिसिंग है एरिया ऑफ एबीसीडी इज 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ एबीसीडी इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हिंदी में सही दे रखा है, एबीसीडी का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं अजंचित, 5/8 आंसर आएगा इसका। क्यों आएगा मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा है। आप देखिए आपके सामने स्क्वायर दिख रहा है आपको, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल बना हुआ है, तो जो स्क्वायर के अंदर सर्किल बना हुआ है क्या उसका रेडियस डायमीटर 1 होगा क्या? भाई एरिया 1 स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है, तो 1 कितना आ गया? 1 आ गया। तो अगर इस सर्किल की डायमीटर की बात करें तो क्या 1 होगा क्या? अगर डायमीटर 1 होगा, अगर व्यास 1 होगा तो रेडियस कितना होगा? आधा आधा हो जाएगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताइए? आधी आधी हो जाएगी क्या? तो रेडियस आधी हो जाएगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अब आप देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए, बस डायग्राम देखने का गेम है सारा बेटा। तो एक डायग्राम यहाँ से जाएगा बेटा, डायग्राम ड्रॉप डायग्राम है, देखिए ये डायग्राम, ये डायग्राम इसके ऊपर से जाएगा बेटा ऐसे कैसे, तो एक डायग्राम तो इसके ऊपर से जाएगा ऐसे कैसे, और एक डायगोनल इसका यहां से जाएगा, मैंने आपको भी सिखाया कि ये जो पत्ती का एरिया है, ये आधी पत्ती दिख रही है आपको, पत्ती की आधी दिख रही है क्या, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा क्या? बोलिए हाँ, है ना, फिगर सिमेट्रिक है तो ये एरिया बराबर होगा क्या? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी बराबर होगा क्या? बिल्कुल बराबर होगा। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या मैं इन एरियों को उठा के मैं शिफ्ट नहीं कर सकता क्या? क्या मैं इस वाले एरिया को यहाँ से उठा के, इस वाले एरिया को मैं यहाँ से उठा के मैं यहाँ ला के शिफ्ट कर दूँ? फिगर सिमेट्रिक है तो एरिया बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा, तो क्या मैं इस एरिया को यहाँ ला के नहीं रख सकता क्या? तो मैंने उस एरिया को उठा के वहाँ से मैंने यहाँ पे ला के शिफ्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले एरिया को भी शिफ्ट कर दूँ, ये जो आपको एरिया दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ये आपको जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया को भी मैं यहाँ से हटा के, इस एरिया को भी मैं यहाँ से हटा के, क्या मैं इस एरिया को भी यहाँ से हटा के क्या मैं इस एरिया को यहाँ से उठा के यहाँ ला के शिफ्ट कर दूँ? एक ही बात है क्या भाई? फिगर सिमेट्रिक है तो एरिया को मैंने उठा के शिफ्ट कर दिया। बस बेटा इतना सही सोचना था, आपका आंसर आ गया बेटा। अब देखिए सर्किल है और ये सर्किल का डायमीटर है, तो ये डायमीटर क्या कर रहा है? एरिया को आधा नहीं कर रहा है क्या भाई? वो देखो वो एरिया तो हट चुका है वहाँ से, ये एरिया तो यहाँ से हट चुका है बेटा। तो सेमी सर्किल के अंदर डायमीटर सर्किल को आधा कर रहा है, तो आधे सर्किल का एरिया चाहिए, और आधे सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है क्या? तो आधे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्किल का एरिया होता है पाई। रेडियस कितना है बताइए मेरे को? आर, आर कितना है? रेडियस कितना? आधा है उसका स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का हाफ। आधे सर्किल का एरिया क्या होता है? बोलिए, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है क्या? और देखिए आंसर आ गया, पाई 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो पाई बाई 8, और सर्किल का एरिया आ गया पाई बाई 8। बोलिए कोई डाउट हो तो उसके अंदर बोलिए मेरे को। बोलिए बात समझ में आई क्या?